विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में कई ऐसे देवी स्थान हैं जो तंत्र मंत्र के क्रिया के लिए विशेष माने गए हैं। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे चालू हो रहे हैं, जिसमें देवी साधना के लिए विशेष महत्व बताया गया है। उज्जैन का ही गढ़कालिका मंदिर तंत्र मंत्र की क्रियाओं से सक्रिय है। यहाँ पर दूर दूर से तांत्रिक तंत्र क्रिया हासिल करने यहाँ पर आते हैं। उज्जैन का चामुंडा माता मंदिर काफी प्रसिद्ध माना गया है। उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो तंत्र क्रिया के लिए जाने जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कैसे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। प्रकृति ने यहाँ पर जो कहा गया है शास्त्र के अनुसार शक्ति पीठांग में इसका उल्लेख किया गया है कि नवरात्रि जो है 5 प्रकार की, 4 प्रकार की जो नवरात्रि होती है वो होती है देवी नवरात्रि, और एक नवरात्रि जो आती है जो शिवरात्रि के पूर्व चल शुरुआत होती है जिसके समापन शिवरात्रि के एक दिन बाद होता है, उसे कहते हैं शिव नवरात्रि। अब देवी नवरात्रि में 2 नवरात्रि जो ऐसी रहती है जो कि लोगों को उसके बारे में मालूम है, किंतु एक नवरात्रि ऐसी है, 2 नवरात्रि ऐसी है जिन्हें गुप्त रूप से रखा गया है, और यहाँ पर जो तांत्रिक है वह इसकी पूजन अर्चन करने के लिए इन्हें गुप्त रखा जाता है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जिस प्रकार छोटी और बड़ी नवरात्रि जो चैत्र मास और अपने कुमार मास में आती है, उसमें जो है नव दुर्गा की पूजन सर्वोपरि मानी गई है शास्त्र के अनुसार, किंतु जो गुप्त नवरात्रि है इनमें जो पूजन कही गई है वह तंत्रोक्त पूजन और जो दशमा विद्या की पूजन जो होती है वह वहाँ पर वह पूजन की जाती है, जिसमें अधिष्ठात्री जो दशमा विद्या में जैसे छिन्नमस्ता हुई, महाकाली हुई, काल और माँ तारा हुई है, गरुड़ाक्षी हुई है, भैरवी हुई है, सुंदरी हुई है, इस प्रकार की दशमा विद्या के अधिष्ठात्रियों की पूजन गुप्त नवरात्रि में की जाती है। उसी प्रकार से उज्जैन में भी जो है तंत्र पीठ जो है उज्जैन में है, जैसे कि गढ़कालिका है आपकी, हरसिद्धि माता है, और आपके जो भूखी माता है, 64 योगिनी देवी है, यह सब तंत्राधिपति देवियां हैं और इनकी पूजा इस गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है।